हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फिया को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट की डॉटर है, जो कि बहुत ही एरोगेंट है। अभी वो किसी सर्वेंट को एप्पल पकड़ा कर निशाना साध रही थी, पर सर्वेंट बहुत ही डर रही थी क्योंकि थिया को बिल्कुल भी तीरंदाजी नहीं आता था। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड वांदा आती है और वो ये सब कुछ देख कर जानबूझकर थिया से टकरा जाती है। इससे वो बहुत ही गुस्सा आ जाती है और उसे बहुत डांटती है। वांदा उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा नहीं होगा, पर उसकी बात नहीं सुनती और ये कहते हुए उसे पनिश करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इतने में वहाँ पर थिया की मॉम आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। तो वो उस पर भी गुस्सा करने लगती है कि आप इसे क्यों बचा रहे हैं। तो वो बताती है कि एम्परर ने स्प्रिंग पार्टी में हमें भी इनवाइट किया है, वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी होगा और वहाँ स्किल रिलेटेड कुछ प्रोग्राम भी होने वाला है। अगर तुम नंबर वन गर्ल बने रहना चाहती हो तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और स्प्रिंग पार्टी में ये तुम्हारी जगह सब्स्टिट्यूट बनकर जाएगी। अगर तुम एम्प्रेस के सामने खुद को एक्सपोज करना चाहती हो तो जो चाहे करो, पर क्राउन प्रिंसेस होने का ड्रीम भी छोड़ देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर थिया वांदा से कहती है कि आज मैं मेरी मॉम के कहने पर तुम्हें जाने दे रही हूँ, तुम हमेशा मेरी शैडो ही रहोगी और मेरे बिना परमिशन से अपने फेस से ये कवर मत हटाना। और फिर उसे अच्छा सा ड्रेस देकर जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है। अगर उसने लेट किया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। वांदा ड्रेस लेकर वहाँ से जाते हुए सोचती है कि तुम हमें ऐसा ट्रीट करती हो जैसे कि हम कुछ है ही नहीं, पर अब मैं रिवेंज लेने के लिए स्ट्रांग हो गई हूँ। यहाँ से हमें 12 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। बचपन में भी थिया तीरंदाजी प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसे टारगेट कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो वांदा की को जो कि उनके यहाँ मेट थी उसे लाइव टारगेट बनने के लिए कहती है। और फिर वो छोटी सी वांदा को देखकर कहती है कि ये तुम्हारी डॉटर है ना, कहकर उसे बुलाती है और उसे पूछती है क्या तुम बिस्किट खाओगी, और वो उसे फेंक कर देती है। वो जैसे ही उठाकर अपनी मॉम की तरफ जाने लगती है, क्या सोचती है कि तुम बिस्किट खाओ तब तक मैं तुम्हारी मॉम को टारगेट बनाती हूँ, कहकर शूट कर देती है और वहीं पर ही उनकी डेथ हो जाती है। और फिर तब से वांदा को डॉक्टर सैम नाम के पर्सन ने राइज किया, जो एक डॉक्टर है। और वांदा जब बड़ी हो गई थी तो वो 2 साल पहले ही उसी डॉक्टर से थिया जैसे फेस सर्जरी करवा लिया था ताकि रिवेंज ले सके। ये सब याद करके सोचती है कि तुम्हें इस सब का तो रिपे करना ही होगा। और फिर वो रेडी होने चली जाती है। जैसे ही वो रेडी होकर आती है, वो इतनी प्रीटी लग रही थी कि थिया भी उसे देखती रह जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार देखा है, तुम एग्जैक्टली मेरी तरह दिखती हो, कोई कह ही नहीं सकता कि हम अलग अलग पर्सन है, कोई स्लेब एग्जैक्टली मेरी तरह कैसे दिख सकती है, कहकर गुस्सा कर रही थी। और बताती है कि एम्परर ने बहुत सारे टैलेंटेड गर्ल को पार्टी में इन्वाइट किया है, इसलिए मैं वहाँ पर भी नंबर वन गर्ल की पोजीशन में रहना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लुक मुझसे इम्प्रेस हो, मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। तो वो हाँ कहती है। फिर भी वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम इतना स्लो क्यों बोल रही हो, खाना नहीं खाया है क्या। तो वो अच्छे से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी। पर वो फिर से उसे बुली करने लगती है और कहती है कि मत भूलना कि तुम मेरे सब्स्टिट्यूट हो, वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो वो मान जाती है। क्या कहती है, मैं तुम्हारे साथ मेड बनकर चलूंगी और तुम पर नजर रखूंगी। और बताती है कि क्राउन प्रिंस एक अच्छा लड़का है, अगर वहाँ मैं अट्रैक्टिव दिखूंगी तो जरूर उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी और फिर मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी। वांदा कहती है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है, और फिर ग्रीट करते हुए सोचती है उसके बाद मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नेक्स्ट सीन स्प्रिंग पार्टी का दिखा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड गर्ल आई हुई थी और वो लोग बात कर रहे थे कि एम्प्रेस ने हम सबको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि वो अपने प्रिंस के लिए एक लड़की ढूंढ रही है। सुना है कि प्रिंस बहुत ही हैंडसम है और टैलेंटेड भी, उसने 16 साल उम्र में ही एक वॉर विन कर लिया था, जो भी उससे मैरिज करेगी वो बहुत ही लकी होगी। पर यहाँ तो नंबर वन गर्ल थिया भी आने वाली है, लगता नहीं कि उसके सामने हमारा कोई चांस भी बन पाएगा। तभी वहाँ पर वांदा थिया बनकर आ जाती है और थिया मेड बनकर उसके साथ थी। वांदा को देखकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसके सामने तो हम सब एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये सब देखकर थिया सोच रही थी कि एक बार मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाती हूँ, उसके बाद ये सब लोग मेरी भी ऐसी तारीफ करेंगे। इतने में वहाँ पर एम्प्रेस अपने बेटे प्रिंस के साथ आ जाती है और यही हमारा मेल लीड मार्क है। उसके बाद सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर एम्प्रेस बताती है कि आज हमारे सिटी के सारे टैलेंटेड गर्ल यहाँ पर हैं, इसलिए आज यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा। और बताती है कि उन्हें एक पजल दिया जाएगा, जो भी उसे सॉल्व कर देगा उसे हमारे ट्रेजर फ्लावर प्राइस में दिया जाएगा। ये सुनकर एक लड़की कहने लगती है कि ये लोग कितने कंजूस हैं, प्राइस में बस एक फ्लावर देंगे। तो दूसरी लड़की बताती है कि असल में ये हमारे लिए एक टेस्ट है, जो भी इस पजल को सॉल्व कर लेगी वो क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। ये सुनते ही थिया उसे कहती है कि कुछ भी करना, मुझे उसमें लूज नहीं होना। उसके बाद उन्हें पजल दिया जाता है जो उन्हें सॉल्व करना था। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये पजल तो फूल है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। और एम्प्रेस से कहते हैं कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हुआ है, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो एम्प्रेस बताती है कि कहा जाता है कि जो भी इस गेम को सॉल्व कर लेता है वो सारी चिंताएं भूल जाता है और वर्ल्ड के हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पर 10 सालों से इसमें कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। ये आप लोगों के लिए आज का टेस्ट है, आप लोग अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो। तभी एक लड़की कहती है कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं इसे सॉल्व कर सकूँ, पर थिया नंबर वन गर्ल है तो वो जरूर इसे ट्राई करना चाहेगी। तभी थिया जो मेड बनी थी वो कहने लगती है कि अगर कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता तो ये कैसे सॉल्व करेगी। वो लड़की वांदा के इंसल्ट करते हुए कहती है कि क्या वो इतनी भी कैपेबल नहीं है जो अपने आप को
डिफेंड करने के लिए भी उसे एक मेड की हेल्प लेनी पड़ रही है। ये सुनकर तो थिया को गुस्सा आ रहा था, पर वांदा उसे रोकती है और कहती है कि मैं इस पजल को सॉल्व कर लूंगी। ये सुनकर सब लोग कहने लगते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। ये भी नहीं सोच रही है कि वो अगर नहीं सॉल्व कर पाई तो क्या होगा। वो लड़की पूछती है, अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाई तो क्या होगा। वांदा कहती है, अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाई तो मैं नंबर वन गर्ल नहीं। ये सुनकर थिया मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि ये क्या प्रॉमिस कर रही है। अगर ये सॉल्व नहीं कर पाई तो मेरी सारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी और मैं नंबर वन गर्ल भी नहीं रहूंगी। और धीरे से उस पर गुस्सा कर रही थी, अगर तुमने मेरी इमेज बर्बाद की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर वो कहती है कि मेरे पास एक तरीका है सॉल्व करने का। कहकर वो सॉल्व करने जाती है तो सब लोग कह रहे थे कि ये बस एम्प्रेस के सामने शो अप कर रही है। ये पजल बहुत ही हार्ड है और कोई भी तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का। तभी वांदा भी कहती है कि हाँ, इसका कोई भी तरीका नहीं है सॉल्व करने का, कहकर उसे फेंक देती है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।